आज हम लोग आ पहुंचे हैं जोगबनी शहर, जो कि बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आने वाला एक प्यारा सा शहर है और ये शहर इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में स्थित है। तो आज की हमारी एक प्यारी सी अल्को ट्रेन जर्नी की शुरुआत होती है इस जोगबनी रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन जिसमें हम लोग ऑनवर्ड होने वाले हैं जो कि जोगबनी से सहरसा के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जिसका नंबर है 1321। यह है WAP-7 कानपुर का और उसके पीछे है सीमांचल एक्सप्रेस जो कि जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलती है। ये रात में चलेगी अब यहाँ जोगबनी से। तो आज का हमारा लोकोमोटिव लीड कर रहा है हमारी ट्रेन को सहरसा तक 13535 रोड नंबर समस्तीपुर का WTG-3A। और ये साउंड सुनिए बस आप, बिल्कुल अपने तय समय से हम लोग जोगबनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये ट्रेन जर्नी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही दूरी बचे हुए हैं जो कि डीजल लोकोमोटिव पे ट्रेनें चल रही हैं, वो भी एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। जिस ट्रेन पे, जिस सेक्शन पे मैं आगे ट्रैवल करने वाला हूँ, मतलब जोगबनी से आगे जाऊँगा फॉरवेस्टगंज, वहाँ पे होगा रिवर्सल, फिर आगे ललित ग्राम सरायगढ़ होते हुए सुपौल के रास्ते हम लोग पहुँचेंगे सहरसा। ये सेक्शन नया बना था जिसकी कारण से ये डीजल सेक्शन थे। हालांकि इस पूरे सेक्शन पे इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल नहीं हुआ है। ये जो सामने से लाइन आते हुए देख रहे हैं, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग अभी रिवर्स होके इसी लाइन पे वापस आने वाले हैं थोड़ी देर में। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉपेज जिसका नाम है फारविसगंज जंक्शन। ये जोगबनी के तुरंत 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर बाद ये स्टेशन आता है, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर और टाउन कह सकते हैं
इस अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आने वाला फारबिसगंज। हम लोग बता दूँ कि फारबिसगंज को जंक्शन किस लिए कहते हैं, तो जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं मतलब एक जोगबनी की तरफ से, जिस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं मतलब यहाँ पे होगा ट्रेन का रिवर्सल और आगे बढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे ललित ग्राम की तरफ, और एक लाइन आगे चली जाती है कटिहार की तरफ अररिया को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल पॉइंट कंप्लीट करके दूसरे डायरेक्शन में लगने के लिए तैयार है, और हम जिस डायरेक्शन से आए थे तो उसी डायरेक्शन पे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो 10 मिनट की विलंब के साथ फारबिसगंज जंक्शन से रवाना हो रहे हैं बिल्कुल सेम डायरेक्शन पे। मैं आपको आपके उसी लाइन को ध्यान दिलाता हूँ। यही वो लाइन है जिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं मतलब ललित ग्राम की तरफ में, वहाँ पे भी एक रिवर्सल होगा, और यही जो ट्रैक मैंने पीछे दिखाया था ये वही, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं फारबिसगंज को। लाइन आते हुए देख रहे हैं, इस लाइन पे हम लोग वापस से इसी डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। हालांकि एक लाइन है जो कि बाईपास कर दी है ललित ग्राम को, जो कि अभी भी कंस्ट्रक्शन में है,
और ललित ग्राम को बाईपास का लाइन करने का ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और क्यों बाईपास है तो मैं आपको बताता हूँ, इस कारण वजह से यहाँ पे रिवर्सल लेना पड़ता है ललित ग्राम स्टेशन पे इस ट्रेन को और जो भी इस रूट की ट्रेनों को। तो फिलहाल में हम लोग पहुँच रहे हैं ललित, और यहाँ पे हमारा ट्रेन का फिर से रिवर्सल हो रहा है, इसलिए लोकोमोटिव आगे जा रही है, रिवर्सल होके आगे की तरफ लगेगी। देख सकते हैं ललित ग्राम एक छोटा सा स्टेशन है और छोटा सा बिल्कुल गांव-वांव है, तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेशन है, इसके आगे ट्रैक जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल लेना पड़ता है, मजबूरी है रेलवे की, इसलिए बाईपास बना रहे हैं वहाँ पे जो मैंने आपको पीछे दिखाया। यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव रिवर्स होके वापस से अटैच होने के लिए आ गया है, और थोड़ा सा साउंड सुनिए, प्यारा सा साउंड सुनिए। तो 20 मिनट की डिले के साथ हम लोग ललित ग्राम स्टेशन से रवाना हो रहे हैं आफ्टर रिवर्सल। अब इसके बाद कोई रिवर्सल नहीं होना है, सीधा स्टॉपेज है सड़ाईगढ़, इसके बीच में भी एक स्टॉपेज है जिसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो चुका है रात का समय। तो जितना भी अल्को साउंड था मैंने पीछे आपको सुना दिया, तो अब मैं ज़्यादा कुछ कवर करने नहीं वाला हूँ, मेन एक सड़ाईगढ़ स्टेशन कवर करूँगा और सीधे मैं पहुँचाऊँगा आपको सहरसा। और यहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहा है अल्को लोकोमोटिव के साथ रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस, ये सिंगल लाइन सेक्शन है इसलिए इसको सड़ाईगढ़ रेलवे स्टेशन से वेटिंग कर दिया था, अब क्लियरेंस मिल जाएगा तो ये आगे अपनी जोगबनी के लिए रवाना होगी। तो हम लोग पहुँच रहे हैं बिल्कुल तय समय से सड़ाईगढ़ जंक्शन। तो सड़ाईगढ़ को जंक्शन किस लिए कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं मतलब ललित ग्राम फारबिसगंज की तरफ से, एक लाइन आगे चली जाती है आपका निर्मली होते हुए दरभंगा की तरफ, और एक लाइन जिसमें हम लोग आगे बढ़ने मतलब सुपौल होते हुए सहरसा की लिए। बिल्कुल अपने तय समय से 20 मिनट बिफोर सहरसा जंक्शन हमारी ट्रेन अराइव हो रही है, और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं बीचों बीच पूरा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और एक मेन जंक्शन पॉइंट है इस पूरे पॉल अररिया डिस्ट्रिक्ट मतलब इस रीजन का, कोसी क्षेत्र का सहरसा रेलवे स्टेशन और बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। तो ये कुछ आउटर है, रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है सहरसा रेलवे स्टेशन के ऊपर में, इसलिए अमृत भारत स्टेशन की तरफ से। तो एक छोटी सी अल्को प्यारी सी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी और जर्नी में।